नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज, मैं हूं आपके साथ ऋतिक। बिहार में विधानसभा चुनाव का जो शंखनाद फूका गया था वो अब जाकर खत्म हो रहा है, क्योंकि पीछे राजभवन में नीतीश कुमार जो हैं वो सातवीं बार लगातार मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ले रहे हैं। ये खुद में भी उनका एक रिकॉर्ड बनते जा रहा है। और लगातार यहाँ पर एनडीए के कई कार्यकर्ता पहुँचे हैं और अंदर में खुद केंद्रीय गृह मंत्री पहुँचे हैं, अमित शाह पहुँचे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुँचे हुए हैं और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी पहुँचे हैं। पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देंगे पूरे एनडीए परिवार को, बहुत बहुत बधाई देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को, अमित शाह जी को और मुकेश सहनी जी को, अजीतनाम मांझी जी को। जीत की हार्दिक बधाई हो, शुभकामना हो और बहुत हर्ष उल्लास और खुशी है कि मुख्यमंत्री जी पुनः अपने कुर्सी को संभाल रहे हैं। देखिए, मैं पूर्वी चंपारण जिले के शिवहर लोकसभा के ढाका विधानसभा से हूँ, प्रभु नारायण। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे बिहार में इस प्रकार से हर्ष का माहौल है कि ऐसे जो सुशासन की छवि लेकर जो नीतीश कुमार जी 15 वर्षों से काम कर रहे हैं, अब पुनः आज जो उनका शपथ ग्रहण हो रहा है, पूरे चाहे वो किसी भी जाति धर्म मजहब से ऊपर उठकर सभी लोग जो है इसका स्वागत कर रहे हैं और सभी लोग जो है खुशियाँ मना रहे हैं। उसका प्रमुख कारण है कि जिस प्रकार से इन्होंने 15 वर्षों में एक विकास के आयाम को नया आम दिया है, इसलिए बिहार में उत्सव का माहौल है। एनडीए जिस प्रकार से एनडीए ने मजबूती से चुनाव लड़ा और पुनः एनडीए जो सत्ता में आई, तो इसका एक प्रकार से बिहार के लोगों ने मैंने खुले दिल से इसका स्वागत किया है। महागठबंधन ने टक्कर भी दिया है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, महागठबंधन ने टक्कर दिया है, लेकिन 15 वर्षों के बाद शासन, 15 वर्षों तक सत्ता में रहने के बाद चौथी बार आना किसी भी दल के लिए बड़ा कठिन होता है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। और उसके बाद भी हमको पूर्ण बहुमत मिला है, यह भी एक बहुत बड़ी बात है। जी, आप देख सकते हैं यहाँ पर बिहार में कोने कोने से लोग आए हैं और सबको खुशी है कि नीतीश कुमार की सरकार बिहार में फिर से बनने जा रही है लगातार सातवीं बार। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए, क्योंकि यहाँ पर अभी शपथ ग्रहण समारोह चल ही रहा है अंदर में राजभवन में, और अब आगे जो लेटेस्ट अपडेट्स होंगे, जो लेटेस्ट खबर जो अंदर से आएगी वो भी हम आपको नेशन न्यूज़ पे दिखाते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए नेशन न्यूज़। धन्यवाद।